पिछले कुछ दिनों से सीएम सिटी में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए करनाल प्रशासन ने मास्क पहनना अति अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए विशेष तौर पर पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रशासन द्वारा संबंधित अधिकारियों अथवा पुलिस को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर आता है तो उसका तुरंत चालान काटा जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा था कि लोग मास्क को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कोरोना के दौरान जिन गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए उनकी उल्लंघना हो रही थी। यही कारण रहा कि सीएम सिटी में कोरोना का ग्राफ बढ़ गया। मास्क ना पहनने वालों को चालान आज जमकर कटे। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा रोडवेज की बसों को रोक रोक कर जांचा गया, जिनमें जो भी व्यक्ति बिना मास्क के मिला पहले उसे समझाया गया, यदि वह नहीं माना तो उसे मास्क प्रदान भी किया गया और उसका चालान भी काटा गया। कई स्थानों पर कुछ लोग पुलिस के साथ बहस करते हुए नजर आए तो कुछ लोग अपनी मजबूरी बताते हुए। जिनकी मजबूरी पुलिस को जायज लगी उन्हें मास्क की महत्वता को समझाया गया तथा पुलिस द्वारा उन्हें मास्क भी प्रदान किए गए। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते ग्राफ के कारण प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि मास्क अब अति अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के मिलेगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। में आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के अंबेडकर चौक पर, जहां पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। यहां पर ट्रैफिक पुलिस की एक जिप्सी भी खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी और दूसरे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इनके सबसे खड़े होने का मकसद है कि लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति सचेत करना, और जो भी व्यक्ति ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करता है उनका चालान काटा जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा कल जो पत्रकार वार्ता हुई थी प्रशासन के द्वारा, उसमें भी सख्त हिदायत दी गई थी कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता नजर आता, बिना मास्क के वाहन चलाता नजर आता, उसका भी तुरंत चालान काटा जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। हमारा मकसद लोगों को कोरोना से भयभीत कराना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करवाना है ताकि वो कोरोना से निपटने के लिए जो भी जरूरी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है करनाल ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज सचिन, जिन्होंने अभी दो दिन पहले ही करनाल का कार्यभार संभाला है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सचिन जी समाचार एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद सचिन जी। आज का जो एजेंडा है, आज का जो मकसद है यहाँ पर खड़े होने का, लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति सचेत करवाना तो है ही है, इसके अलावा आप आम पब्लिक से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं हमारे को जो हर प्रकार से उच्च अधिकारियों से आदेश मिल रहे हैं कि अभी जो मेन एजेंडा है वो पब्लिक में मास्क को पहनने के लिए अवेयरनेस फैलाने का है, और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। सर, मास्क ना पहनने का कितना चालान है? मास्क ना पहनने का 500 रुपये का चालान है, और उसके अलावा भी अगर वो बार बार कर रहे हैं तो उनके बार बार चालान होते रहेंगे तो वो बढ़ती जाएगी राशि। सर, कोरोना के जो केस हैं पिछले 15 से 20 दिनों में लगातार उनकी रफ्तार दोगुनी हो चुकी है, आप लोगों को कोरोना से बचाव के लिए क्या गाइडलाइंस की, जो भी गाइडलाइंस है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे आम जनता? सर, मैं सभी से यही अपील करूंगा, ये हमारे को इस कोरोना से लड़ते हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, और सभी को उनकी हर प्रकार की गाइडलाइंस के बारे में अच्छी तरीके से पता है। अभी जो बार बार प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है कि मास्क का उपयोग करें और थोड़ा सा अपना गैप को मेंटेन करें, और जो वैक्सीनेशन चल रही है उसको फॉलो करें, जस्ट यही 2-3 बेसिक सी गाइडलाइंस है। और अगर आप मास्क नहीं लगा के चल रहे हैं, अपने लिए तो थ्रेट है, फैमिली के लिए और समाज के लिए भी थ्रेट है। देखिए, ये थे हमारे साथ ट्रैफिक इंचार्ज करनाल के ट्रैफिक इंचार्ज, जिन्होंने अभी फिलहाल एक दिन पहले ही कार्यभार संभाला। इन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव अपना तो है ही है, बाकी दूसरों का भी बचाव जरूरी है। यदि आपको कोई तकलीफ होती है तो आपका परिवार भी परेशानी में आ सकता है, इसलिए कोरोना से निपटने के लिए जो भी जरूरी गाइडलाइंस है, चाहे वो मास्क पहनना है, चाहे वो 2 गज की दूरी है, इसके अलावा जिन लोगों के पास भी वैक्सीनेशन का मैसेज आ रहा है वो भी तुरंत रहते समय रहते वैक्सीनेशन जरूर करवा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी की सुनवाई नहीं हो रही। मात्र सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का यही काम है कि लोगों को नियमों के प्रति सचेत करना और मास्क के प्रति अवेयर करना। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। आपने मास्क क्यों नहीं डाला भाई साहब? ये दोनों है बाबूजी, मैं खेत में था, बंदा चोट लगी मेरे, और आपको पता है कितनी गंभीर बीमारी चल रही है, और मास्क के लिए चलिए इन्हें बताया, बंदा मरना है अस्पताल में, मैं क्या करूँ जी, मैंने खेत में आना पड़े जल्दी। मैंने तो नहीं जी सर, गाँव से आप? मैं घर से रहने का हूँ। आपको ये पता कि पिछले 1 साल से हम गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके बाद भी उसके बावजूद भी आप मास्क नहीं डाल रहे, जबकि करनाल प्रशासन के द्वारा कल ये काम आप बताओ। मैं चंडीगढ़ जाना था सर, ये मैं इसके पीछे बैठ गया था, देखे मेरे कपड़े भी गल गए साहब। आपको पता है चालान ना, जो मास्क ना डालने पर कितने रुपए का चालान? हाँ जी, 500 रुपए चालान। मैम,
अगर हम बात करें डेली अभी तक फिलहाल सुबह से लेके अभी तक कितने चालान ऐसे कट चुके हैं जो कि बिना मास्क के थे? सर बहुत चालान ऐसे कट चुके हैं जो बिना मास्क के थे। मैम लोगों से आपको बात भी करनी पड़ती होगी, उनको समझाना भी पड़ता होगा, कुछ लोग बहस भी करते होंगे, इन सब का जवाब क्या? क्योंकि आपके आपके धैर्य की भी एक सीमा है, आप नहीं बोल सकते कुछ ऐसा कि जिससे कि आम आदमी परेशान हो। नहीं बस उनको आराम से ही बता रहे हैं कि इतनी भयानक बीमारी है तो थोड़ा मास्क लगा के चल लिया करो। ये देखिए मैं आपको बता दूं कि किस तरह से अब एक मैं आपको एक जगह और लेकर चलता हूं, किस तरह से एक थ्री व्हीलर संचालक को रोका गया है, थ्री व्हीलर संचालक को रोका गया, इसकी भी जाँच वाहन की जा रही है। और आप देख सकते हैं एक महिला अब करनाल, एक महिला से करनाल पुलिस बात कर रहे हैं, करनाल पुलिस बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि करनाल पुलिस इतनी संवेदनशील है कि जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क वितरित किया जा रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि किस तरह से मैम ऐसा क्या वाक्य हुआ कि आपकी आंखों में आंसू आ गए? सर जी मेरा इलाज चल रहा है चंडीगढ़ से, बैठे का दौरे पड़ते हैं उसको, यहाँ कहते चलान काटो, ऐसे मैं पैसे कहाँ से लाऊं बताओ। मैडम चलान तो आपकी सेफ्टी के लिए उन्होंने बोला है, उन्होंने तो मास्क के लिए बोला है, मास्क सेफ्टी के लिए। चलो सर जी आपका कोई बीमार है वो अलग इशू है। देखिए आप भावुक ना हो, जो भी आपको पता है मास्क का कितना बेनिफिट है, इससे आप भी बच सकते हैं, जो आपका बीमार बेटा है वो भी गंभीर बीमारियों से बच सकता है, और दूसरे आम लोग भी जो आपके सराउंडिंग एरिया में रहते हैं वो भी बच सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मास्क पहने आपने, दूसरे लोगों को भी बताएं क्या कहना चाहिए? नहीं अच्छी बात है सर, मास्क तो पहनना चाहिए, अच्छी बात है। वो तो दोबारा फैल रही है, हाँ जी दोबारा फैल रही है वो तो। चलो मैं ध्यान नहीं था, मैं किसी का खाना बनाने जाती, मैं जल्दबाजी में निकल गई। क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या कहना चाहेंगे, मास्क कितना जरूरी है आज के समय में, जबकि पिछले 15 से 20 दिनों में कोरोना के केस लगातार दोगुनी होते? हाँ जी लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, हम दिन रात लोगों से अपील यही कर रहे हैं कि घर से बाहर जो भी निकला है आप बिना काम के तो घर से बाहर मत निकलो ही मत, अगर किसी को जरूरी निकलना भी है तो हर इंसान घर से ही मास्क लगा के चले ताकि इस बीमारी से बचाव हो, जब किसी दूसरे में इसकी बीमारी ना फैले। पहले भी बहुत पिछले साल से बहुत नुकसान हुआ है, बहुत जान माल की जानी माल नुकसान हुआ है, तो इसीलिए लोगों से हमारी यही अपील है कि घर से जब भी कोई बाहर निकलता है तो मास्क लगा के निकले, और वही आदमी निकले जिसको शहर के बिना या बाहर काम के बिना गुजारा नहीं चलता। मैं मास्क ना डालने का कितना चालान है? 500 रुपये। और अभी तक दिन में कितने चालान आज तक कट चुके हैं, क्योंकि कल भी प्रशासन ने सख्त दाय दी थी। कोशिश है, पहले तो हम लोगों को समझा रहे हैं, जो जिद पे अड़ते हैं हम नहीं लगाते उनका हम चलान करते हैं और फिर मास्क भी देते हैं उनको, मास्क भी। ये देखिए ये थे हमारे साथ पुलिस अधिकारी जिनका ये कहना है कि जो मास्क है लोगों की सेफ्टी के लिए है, ये केवल उनका चलान काटते हैं कि जो कि एडमेंसी पर आ जाते हैं, इनका पहले कर्तव्य होता है उसको समझाना, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क प्रोवाइड करवाना, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि बहस पर उतारू हो जाते हैं, उनका चलान काटना इनकी मजबूरी बन जाता है, चलान काटना इनका मकसद नहीं है, सिर्फ लोगों को जागरूक करना इनका मकसद है, क्योंकि पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर पिछले से 5 दिनों में कोरोना की महामारी काफ़ी दोगुनी हो चुकी है। जब देख रहे तो वाहनों को रोक रोक कर ये बताया जा रहा है, ये देखिए जिन लोगों ने मास्क नहीं डाला जा रहा, जिन लोगों ने मास्क नहीं डाला उनके चालान काटे जा रहे हैं, इनको समझाया जा रहा है कि आप मास्क डालें क्योंकि मास्क का फायदा सिर्फ आप लोगों। हाँ बताओ आप बताइए। सर जी आप ये जो यूनियन कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर आप सब्जी मंडी में अगर अनाज मंडी में जाके देखोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, कोई मास्क नहीं लगाता, इतनी बोलियां लगती है सर, आप लेना है मेरे को सब्जी, सर मेरे को लेना है, जब मैं आपको बिठा नहीं सकता तो आप मंडी में भी जाके देखो ना एक बार, वीडियो बनाओ उनका। सर वो काम हम कर लेंगे, वो काम हम कर लेंगे, उस काम के लिए पुलिस प्रशासन भी है, आपने बता दिया एरिया बता दिया, हम उस एरिया पे जाएंगे, प्रशासन को भी अवगत करवाएंगे, लेकिन आपसे हमारी अपील ये है कि आप ऐसे किसी भी पैसेंजर को गाड़ी मत बिठाएं कि जिसने मास्क ना डाला। आपका धन्यवाद, आपने बताया बहुत अच्छा कर रहे हो आप, मैं आपका सलूट करता हूँ। ये थी हमारे साथ एक थ्री व्हीलर संचालक, ई रिक्शा संचालक, जिन्होंने बताया, इन्होंने हमें कुछ एरिया के बारे में बताया, हमने भी इनको यही अपील की है कि आप अपनी गाड़ी का ध्यान रखिए, जो एरिया इन्होंने हमें जिस एरिया से इन्होंने अवगत करवाया उसी एरिया को हम प्रशासन को भी अवगत करवा देंगे, ताकि वहाँ पर भी अगर ऐसी कोई खामियाँ मिलती हैं उसको दूर किया जा सके। हम एक बार फिर से समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि मास्क पहनना अत्यंत आवश्यक हो चुका है, 2 गज की दूरी अत्यंत आवश्यक हो चुकी है, क्योंकि कोरोना महामारी फिर से रफ्तार
पकड़ रही है। और इस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, करनाल प्रशासन का मकसद लोगों को समझाना है, उनका चालान काटना उनका मकसद नहीं है। क्योंकि आपको हमने दिखाया किस तरह से जिनके पास पैसे नहीं है, जो कि अपनी गलती को मान रहे हैं, उन्हें प्रशासन के द्वारा मास्क उपलब्ध फ्री में करवाए जा रहे हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।